क्लास 12। चित्रकला में राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए, ये चित्र है जिसका नाम है राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए। इस चित्र को हम इजी नोट्स के माध्यम से समझेंगे। चित्रकार इसके हैं राजा रवि वर्मा, काल आधुनिक, माध्यम कैनवास पर तेलीय रंग, कैनवास पर बनाया गया है ये, ऑयल कलर से बनाया गया है। समय 19वीं सदी का ये चित्र है। संग्रह चित्रकला मैसूर कर्नाटक, और ये चित्रशाला मैसूर कर्नाटक में से लिया गया है। विवरण, इस चित्र का विषय वाल्मीकि रामायण से लिया गया है। जैसे ही नाम से पता चल रहा है रामायण पर आधारित चित्र है, तो जो ये चित्र का टॉपिक लिया गया है वो वाल्मीकि की रामायण पर आधारित है, जिसमें श्री राम को समुद्र का मद का मर्दन करते हुए दिखाया गया है। और इस चित्र में क्या दिखाया गया है, इस चित्र में भगवान श्री राम को समुद्र का मदमर्दन करते हुए दिखाया गया है, मतलब उसके घमंड को ख़त्म करते हुए दिखाया गया है। किस तरीके से दिखाया गया है, रामायण के इस प्रसंग में श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी करते हैं। क्या स्टोरी है जिसके आधार पर ये चित्र बनाया गया है, कि रामायण का एक प्रसंग है, एक घटना है जिसके आधार पर श्री राम अपनी वानर सेना के साथ लंका जाने की तैयारी करते हैं ताकि रावण के चंगुल से सीता को छुड़ाया जा सके, परंतु विशाल समुद्र ने उनका मार्ग अवरुद्ध कर रखा है। लेकिन जो उनका रास्ता है वो समुद्र के रास्ते से होकर जाता है, इसलिए उनका जो मार्ग है वो समुद्र ने रोक रखा है। श्री राम समुद्र से मार्ग देने की प्रार्थना करते हैं, और भगवान श्री राम समुद्र से प्रार्थना करते हैं कि वो लंका जाने के लिए उन्हें मार्ग दे दे, परंतु समुद्र पर उसकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। और श्री राम जब प्रार्थना करते हैं, 2-3 दिन निकल जाते हैं प्रार्थना करते हुए, लेकिन समुद्र पर उनकी प्रार्थना का कोई असर नहीं होता। दुखी राम क्रोधित होकर अपना धनुष उठा लेते हैं, और जब वो दुखी हो जाते हैं प्रार्थना करते करते, तो वो दुख से दुखी होकर अपना धनुष उठा लेते हैं और समुद्र का समूल नष्ट करने की चेतावनी देते हैं, और समुद्र को चेतावनी देते हैं कि अगर वो मार्ग नहीं देंगे तो उनका समूल नष्ट कर देंगे, उन्हें नष्ट कर देंगे। राजा रवि वर्मा का चितेरा मन इस पल को आकार देता है, और ये जो घटना है रामायण पर आधारित है, इस घटना को आकार दिया है राजा रवि वर्मा के चित्रकार के मन ने। चितेरा मन मतलब चित्रकार का मन। चित्रकार का मन क्या कहता है, कि इस घटना का विवरण चित्रों के माध्यम से, कलर के माध्यम से किया जाए, तो इसी घटना को कलर के माध्यम से राजा रवि वर्मा ने प्रस्तुत किया है। श्री राम को समुद्र के किनारे एक शिला पर क्रोधित मुद्रा में बाएं हाथ में धनुष व दाहिने हाथ में तीर पकड़े हुए दिखाया गया है। और चित्रकार ने कैसे दिखाया इस घटना को, समुद्र के किनारे एक शिला पर श्री राम को खड़े दिखाया गया है, और श्री राम ने एक हाथ में धनुष को पकड़ा हुआ है और दूसरे हाथ में तीर को पकड़ा हुआ है, और राम को क्रोधित अवस्था में दिखाया गया है। उनके वस्त्रों में पवन के बहने का एहसास कराया गया है, और उनके जो वस्त्र हैं वो उड़ते हुए दिखाए गए हैं, जिससे ये प्रतीत हो रहा है कि जिस समय ये घटना घटित हुई है उस समय बहुत तेज हवाएं चल रही हैं, तो पवन के होने का एहसास कराया गया है, बहने का एहसास कराया गया है पवन के, जिससे कपड़ों को उड़ता हुआ दिखाया गया है। समुद्र से किनारे की ओर तेजी से आगे बढ़ती लहरें शिलाओं से टकराकर सफ़ेद दूध की तरह बिखरी दिखाई पड़ रही हैं, और जो समुद्र की लहरें हैं वो बहुत बहुत तेज़ी से किनारे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही हैं, और किनारे पर आकर शिलाओं से टकराकर वो दूध की तरह से सफ़ेद होती हुई दिखाई पड़ रही हैं। ये जो वाइट कलर का बनाया गया है ये सब
क्या बनाई गई हैं, लहरें बनाई गई हैं जो समुद्र से उठ रही हैं और तट पर आकर सिलाव से टकराकर वो सफ़ेद हो गई हैं। जबकि दूर की लहरों के बीच तीन मानव आकृतियां दिखाई गई हैं और जो दूर की लहरें दिखाई गई हैं उनके बीच में ये तीन मानव आकृतियां दिखाई गई हैं। मध्य में बड़ी आकृति समुद्र देवता की है जो दोनों हाथ ऊपर उठाए मानो श्री राम से ऐसा न करने की प्रार्थना कर रहे हैं। और जो ये बीच में आकृति दिखाई गई है, बड़ी आकृति है, वो समुद्र देवता की है और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो श्री राम से ऐसा ना करने की प्रार्थना कर रहे हैं। हाथ ऊपर करके श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो अपने धनुष को ना चलाएं। जबकि दो छोटी आकृतियां बनने समुद्र देवता की हैं और जो छोटी छोटी आकृतियां हैं वो अन्य समुद्र देवताओं की हैं जो भयभीत हैं और दोनों के चेहरे भयभीत अवस्था में दिखाए गए हैं और श्री राम का चेहरा क्रोधित अवस्था में दिखाया गया है और अपने जीवों की रक्षा के लिए श्री राम से क्षमा याचना कर रहे हैं। और तीनों क्या कर रहे हैं, वो क्षमा याचना कर रहे हैं श्री राम से अपने जीवों की रक्षा करने के लिए कि अगर वो उनका नष्ट कर देंगे, समुद्र को नष्ट कर देंगे तो जब समुद्र में रहने वाले जीव जंतु भी नष्ट हो जाएंगे, इसीलिए वो भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो ऐसा ना करें। यही इसी घटना को चित्रकार राजा रवि वर्मा ने दर्शाया इस चित्र में। पृष्ठभूमि में गहरे रंगों के मिश्रण से आकाश दिखाया गया है और जो पृष्ठभूमि दिखाई गई है उसमें गहरे रंग से आकाश दिखाया गया है जिसके मध्य में आकाशीय बिजली की चमक दिखाई गई है और एक ऐसी लाइन दिखाई गई है जिसमें आकाशीय बिजली दिखाई गई है, आकाश में बिजली चमकती हुई दिखाई गई है। इस चित्र में रंगों की इतनी सौभ्यता है कि किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने में सक्षम है और ये चित्र इतना सुंदर बनाया गया, इतने सौम्य कलर बनाए गए हैं कि किसी का भी इसे देखते ही किसी का भी ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर सकता है। इस चित्र की ये क्वालिटी है। इस चित्र में यूरोपीय शैली के गुण, प्रकाश एवं छाया का प्रदर्शन तथा रेखीय चित्रण में लयात्मकता का आभास प्रकट होता है और इसमें यूरोपीय शैली के छाया प्रकाश दिखाए गए हैं, शैडो दिखाई गई हैं, छाया प्रकाश के गुण दिखाए गए हैं और रेखीय चित्रण में लयात्मकता का प्रभाव दिखाया गया है। ये चित्र हो गया जिसका नाम था राम समुद्र का मदमर्दन करते हुए। चित्रकार थे इसके राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा के बारे में पढ़ेंगे 1848 ईस्वी से 1906 तक। राजा रवि वर्मा टावनकोर के राशि परिवार से संबंधित थे। और जो राजा रवि वर्मा कौन थे, टावनकोर नाम का एक राशि परिवार था उससे संबंधित थे जिन्होंने चित्रकारी की आरंभिक शिक्षा अपने चाचा से तथा तेलिये चित्रकारी का प्रशिक्षण डच चित्रकार थियोडोर जेसने से प्राप्त किया। उन्होंने जो आरंभिक शिक्षा प्राप्त की थी वो अपने चाचा से प्राप्त की थी और तेलिये शिक्षा ऑयल पेस्टल कलर से जो उन्होंने शिक्षण प्राप्त किया था डच चित्रकार थे जिनका नाम था थियोडोर जेसने से प्राप्त की थी। उन्होंने स्त्रियोचित चित्रकला को जन्म दिया और उन्होंने स्त्री से संबंधित चित्रकला को जन्म दिया था जिसमें सीता, शकुंतला तथा अन्य महिला पात्रों के लिए दक्षिण भारतीय स्त्रियों की रूप रंग व सज्जा को आदर्श मानकर चित्रण किया और उन्होंने सीता, शकुंतला अन्य महिलाओं को दक्षिण भारतीय स्त्रियों के अनुसार रूप सज्जा देकर चित्रण किया था। इनके प्रमुख कृतियाँ कौन कौन सी हैं, श्री कृष्ण, हरिश्चंद्र, सुकेशी, रावण और जटायु, इंद्रजीत की विजय, फल विक्रेता, भारतीय फल विक्रेता। ये चित्र कंप्लीट हो गया। चित्र का नाम था राजा रवि वर्मा। चैनल के प्लेलिस्ट में आपको सारी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे जो आपके सिलेबस से रिलेटेड है।